जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग ASI रूल 70 का जो एग्जाम हुआ था, ASI टू सब इंस्पेक्टर का, उसके क्वेश्चन पेपर का जो है बी हिस्सा देख रहे हैं। राजभाषा का पहले ही 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है, बाकी के जो 90 सवाल बचे हैं उसको हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सवाल IPC से पूछा कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ पर डिफाइन किया गया है, चल संपत्ति धारा 22 में बताया गया है। ये आपका रिवीजन का भी काम हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी जरूर बढ़ाएगा, जो आगामी 72 SIPF का एग्जाम होना है उसको लेकर के। फिर बोला अनलॉफुल असेंबली जो है इसके बारे में कौन से सेक्शन में बताया गया, बहुत ही सिंपल है, 141 में बताया गया। आगे देखते हैं अंडर विच सेक्शन CRPC पर्सन अरेस्टेड इज नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर। तो मेरा ये ट्रेनिंग सेंटर में चेस्ट नंबर भी था और ये सेक्शन जो है ये सेक्शन 57 है। अंडर विच सेक्शन ऑफ IEA 1872 एडमिशन इज डिफाइंड, स्वीकृति स्वीकृति 17 में डिफाइन किया गया है, बहुत ही सिंपल। आगे देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज, ये एकदम सवाल आपको 72 वाले में दिखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किस आर्टिकल में दिए गए हैं, तो 51 के A में दिए गए हैं। आप मुझे कमेंट करिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किस भाग में आते हैं, आपको इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दे देगा तो आप भाग बताइएगा किस भाग में किस पार्ट में आता है। आगे है व्हेन 5 और मोर देन 5% कमिट रॉबरी ऑफेंस इज कॉल्ड, जब 5 या उससे अधिक व्यक्ति मिलकर के कोई भी रॉबरी लूट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो लूट डकैती में बदल जाता है। बस लूट और डकैती में संख्या का ही फर्क है। पनिशमेंट फॉर थेफ्ट इजी है, 379 में। अंडर विच सेक्शन ऑफ RPUP एक्ट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंस, अगर दोबारा कोई करता है उस ऑफेंस को, तो 3A में पहली बार में है और 3B में रिपीटेड के लिए पनिशमेंट है। आगे देखिए पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट कॉन्स्पेरेसी और कन्वेनियंस कनाइवेंस, जो RPUP एक्ट में तो धारा 4 में इसके बारे में बताया गया है, सिंपल सा है। आपको 72 में क्या होगा, इन दो तीन सेक्शन को मिला करके सवाल पूछ लेगा, सवाल ऐसे ही आने हैं उसमें भी। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, आज ही हमने फंडामेंटल राइट्स पे जो है क्लियर सिलेक्शन पे वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसको फटाफट जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर सिलेक्शन पे बहुत फंडामेंटल राइट को एकदम डीपली पढ़ाया गया है, उससे UPSC लेवल के सवाल भी हल हो सकते हैं। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विधि के समक्ष समता बताता है, तो वह है आर्टिकल 14। स्मोकिंग इन ट्रेन जो है 167 आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा इस तरह के सवाल आ जाए, जैसे मैं यहाँ पे आपको कर रहा हूँ तो मैंने क्वेश्चन पेपर को एक बार देख रखा है, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। आप पूरे ध्यान से सवाल को जरूर पढ़िएगा, पूरा क्या बोल रहा है पूरे सवाल को पढ़ के तब टिक आउट करना। आगे आते हैं नेग्लिजेंटली क्रॉसिंग अनमैंड लेवल क्रॉसिंग, अब तो अनमैंड लेवल क्रॉसिंग को खत्म कर रहा है भारतीय रेलवे, लेकिन फिर भी पूछा है, तो 161 में इसके बारे में बताया गया। आगे है रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस, हमेशा हमने पढ़ाया सदोष लाभ सदोष हानि, किसमें बताया है, तो सेक्शन 23 IPC में बताया है। अब देखिए IPC, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अगर आपने वीडियो देखा है तो समझ जाएंगे, 96 में इसको बताया गया है। तो ROPD ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक सवाल आपके एग्जाम में फिक्स होंगे वहां भी। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 131 विच रैंक ऑफ आर्म्ड फोर्स मे गिव ऑर्डर फॉर डिस्पर्सल, तो 131 में क्या है, राजपत्रित अधिकारी के बारे में बताया गया है, गेजेटेड ऑफिसर जो है वो आदेश दे सकता है। NDPS एक्ट में सवाल पूछा, हमने बताया है अरेस्ट विदाउट वारंट किसमें दिया गया है, तो 42 में आपको दिया गया है, अरेस्ट सर्च सीजर उसके बारे में यहाँ पर है। आगे देखिए प्रोविजन ऑफ इशुएंस ऑफ सर्च वारंट RPUP एक्ट में, सर्च वारंट धारा 10 में, बिल्कुल सही। आगे देखिए अंडर विच सेक्शन ऑफ IEA ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट सेक्शन 45 में, आगे देखते हैं ये सवाल आपको पूछा गया, ये सवाल आप जरूर हल कर लीजिएगा, हो सकता है इस तरह के सवाल आपको सब इंस्पेक्टर वाले में दिख जाए तो आप इसे आसानी से हल कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर है ये फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 20 kg व्हीट इफ द वैल्यू ऑफ 5 kg व्हीट इज 100, तो 5 किलो का 100 तो 20 रुपया किलो हो गया, अब 20 भी चाहिए 400 400 रुपया, इसका सही उत्तर हो गया। गरबा, हमने अभी आपको लोकल जो है फोक डांस और इसका भी दिया, वहां पे ये दिया हुआ है, गरबा कहाँ का नृत्य है, गरबा गुजरात का नृत्य है, तो
तो ये हमने वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल दे रखे हैं, साथ ही साथ क्लियर सिलेक्शन वाले पर हमने वो सारी डिटेल से चर्चा किया है, तो देख के जाइएगा। ताजमहल किस शहर में स्थित है? बहुत ही आसान सा सवाल है, ताजमहल आगरा में है, बच्चा बच्चा जानता है। आगे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार, इसमें से कौन एक तारा है? तो पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या चंद्रमा। तो सूर्य एक तारा है, सन एक तारा है। विराट कोहली किस खेल से संबंदित है? आपको ऐसे सवाल दिख सकते हैं, विराट कोहली क्रिकेट से है। आपको एशियन गेम, जो एशियन गेम अभी हुआ है उसको याद रखिएगा, एशियन गेम से सवाल आपको इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि फलना जिसने स्वर्ण पदक जीता वो किस खेल से संबंधित है, या किसने स्वर्ण पदक किसमें किस खेल से जीता। तो ये वाला सवाल आपको 72 SI में दिख सकता है। जो जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कब किस समय सरस्वती जीवा पे बैठी हो ये मुझे भी नहीं पता है, प्योर मन से बताता हूँ, हो सकता है आपके काम आ जाए। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर में कौन आता है? प्राथमिक सेक्टर में कृषि आता है। तीन तरह का सेक्टर होता है, प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आता है, और तृतीयक में जो है वो सर्विस आता है, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री जो है ये दूसरे में आता है। हो सकता है आपको मिलान करो इस तरह का सवाल दे देगा, एग्रीकल्चर सेक्टर ए कौन सा होगा, ये तीनों दे देगा, बोलेगा कि इसको मिलान करिए कि कौन किसके अंतर्गत आएगा। आगे आइए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो राजेंद्र प्रसाद। आगे आइए, रेल सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो मनोज यादव सर है। आगे आइए, अफगानिस्तान काबुल, तो इंडिया, अफगानिस्तान का काबुल, इंडिया का नई दिल्ली राजधानी है। आप यहाँ से जो है एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अभी इजराइल वाला मुद्दा हुआ था ना, इजराइल यूक्रेन, यहाँ पर ये सारा जो वार हुआ है, यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट जगह का नाम से आपको करंट में एक सवाल पूछ सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इजराइल में जैसे गाजा पट्टी, ठीक है, सीरिया वाला एरिया हो गया, यूक्रेन में से कोई जगह पूछ ले, इस तरह का सवाल आपको एक करंट में दिख सकते हैं। आगे देख सकते हैं, असंगत चुनिए निम्नलिखित में, बनाना, अंगूर, संतरा और अनार। तो इसमें क्या है, अंगूर जो है वो अलग हो गया, बाकी जो है इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से असंगत चुनिए कौन सा है? तो 12/31 1899, 12:48 PM, यहाँ पे क्या दिखाया, देखिए 12/12/31/1899, 2:58 PM, 2:08 AM, 1:52 PM और 12:48 PM, इस तरीके से दिखा रहा है। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा डिफरेंस हो जाएगा, इसमें डिफरेंस आपको दिख रहा होगा 2:58 जो है ये यहाँ पर PM, ये जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिख रहा है। तो ये कैसे बना, क्यों बना, इसको आप बताएंगे जरूर, कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर असंगत हुआ। ये नंबर सीरीज के सवाल आपको एक क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर वाले में पक्का आने वाले हैं कि 50 है, 45 है, 40 है, 35 है, 30 है, तो 5 5 घट रहा है तो हम 25 कर दिए, लेकिन थोड़ा सा हार्ड उसमें पूछेगा। एक ऐसा सवाल आपको आना है, इसको ये लिखा तो इसको क्या लिखा, तो ये भी आपका आना है। इसके लिए भी हमने आपको बता रखा है, कोडिंग डिकोडिंग का रीजनिंग जो है कोर्स में डला हुआ है, यूट्यूब पे भी डला हुआ है, ज्वाइन बटन में भी डला हुआ है, सब जगह पर वो क्वेश्चन डला हुआ है। सुपीरियर ऑफिसर का मतलब क्या हो गया, तो ASC एंड अबव को सुपीरियर ऑफिसर कहते हैं। लक्ष्य एवं उद्देश्य कहाँ है, अस्थाई संख्या स्टैंडिंग ऑर्डर 20 में है आपको। पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट जो है किस सेक्शन में बताया गया है, रेल सुरक्षा बल के 1957 के, तो ये हो जाएगा 12 में आपको अरेस्ट के बारे में बताया गया, 13 में तलाशी के बारे में बताया गया, 14 में क्या बताया गया वो कमेंट करके आप बताएंगे, सारा चीज मैं नहीं बताऊंगा। आगे चलिए, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ RPF रूल, RPF रूल में अपील पूछ लिया, तो अपील तो 211 में अपील, अभी हमने वीडियो डाला है तो उन सब चीजों को देख लीजिएगा। टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील, हम बार बार हमेशा बोले हैं टाइम लिमिट जो है उसके डिस्पोजल के बारे में कहाँ बताया गया है, तो 220 में बताया गया, कितने दिन के अंतर्गत, तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं, गाइडलाइन फॉर होल्डिंग लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन LDC एग्जाम जो है, ठीक है, LDC जो है ये किस रूल में दिया गया है, तो रूल 72 में दिया गया है LDC एग्जाम के बारे में। हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है जबलपुर में। आते हैं सेक्शन 146 IPC में क्या बताया गया है, तो 146 में बलवा के बारे में बताया गया है।
प्रोविजन फॉर रिप्रेसिंग ऑफ मेमोरी 159 IEA में बताया गया है। सेक्शन 2D में जो है क्या बताया गया है आपको, रेल संपत्ति के बारे में बताया गया है, रेल प्रॉपर्टी के बारे में किसके, तो RPUP एक्ट के। आप कमेंट करके बताइएगा RPF एक्ट में रेलवे प्रॉपर्टी के सेक्शन में डिफाइन किया गया है। आगे बोल रहा है अटैचमेंट कुर्की जो है किसमें है, तो 83 में इसके बारे में बताया गया है, अटैचमेंट के बारे में। स्पेशल रिपोर्ट के प्रावधान किसमें है, तो स्पेशल रिपोर्ट 229 में है, स्पेशल अकरेंस रिपोर्ट जो है वो 230 में है। आगे देखते हैं फिश प्लेट किस डिपार्टमेंट से है, तो फिश प्लेट जो है आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है। फिश प्लेट कहाँ लगता है, तो दो पटरियों के पास लगता है जो फिश प्लेट लगता है। आगे चलते हैं, हु इज द हेड ऑफ कमर्शियल ब्रांच इन डिविजनल लेवल, डिविजनल लेवल पे जो है कौन होगा कमर्शियल, सीनियर DCM हो जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ बैक ट्रेसिंग इंक्वायरी इज कंडक्टेड, बैक ट्रेसिंग किस लिए किया जाता है, डोजियर तैयार करने के लिए नहीं, घटना स्थल का पता लगाने के लिए किया जाता है, सर्विलांस के लिए भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ OHE डिपार्टमेंट, OHE इक्विपमेंट नॉट पूछा है, कॉन्टेक्ट वायर है, कैटनरी वायर है, गाय रड है, डायनेमो बेल्ट जो है वो मैकेनिकल का है। आगे चलते हैं, हाउ मेनी RPF आर नॉमिनेटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, इन डिविजनल लेवल पे जो है 15 आदमी होता है, ये हमने आपको मॉक टेस्ट में जो दिया है सब कवर किया हुआ। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो मोदी जी है प्रधानमंत्री। इन DCP फायर एक्सटिंग्विशर, DCP का मतलब क्या होता है, ड्राई केमिकल पाउडर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ IED, IED का कौन तत्व है, हाई एक्सप्लोसिव पावर सोर्सेस स्विच और ये, तो सभी मिलकर के ही IED बनता है, एक्सप्लोसिव भी चाहिए, पावर मिलेगा और स्विच लगाएंगे तभी तो कमांड होगा, और जब स्विच दबाएंगे तो पावर सोर्स सप्लाई होगा, विस्फोट विस्फोट हो जाएगा और IED का काम करने लगेगा। आप कमेंट करके बताइएगा IED का फुल फॉर्म क्या है। आइए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ RPF रूल डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, तो 222 कहाँ पर है, 222 यहाँ पर है, डॉक्टर हॉस्पिटल में होता है, टीचर कहाँ होगा, स्कूल में होगा और कहाँ होगा, तो आते हैं इसमें, दो आदमी जो है एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं, देन 4 पर्सन विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो सीधा सा बात है, दो आदमी 4 दिन में, तो 4 आदमी 2 दिन में कर लेगा, सीधा सा इसमें दिया। आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ऑर्गेनाइज क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ये सवाल यहाँ पूछ लिया तो आपको नहीं पूछेगा, इंडिया में इसका आयोजन हुआ था, भारत हार गई थी फाइनल में, जीता कौन ऑस्ट्रेलिया, ये सब सवाल आपसे पूछा जा सकता है, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच किनको दिया गया, ये सारा चीज आप सवाल उसको देख लीजिएगा। IPL से संबंधित क्वेश्चन इसमें नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपसे IPL से संबंधित सवाल को पूछ सकता है। IPL में अभी जो है सबसे महंगा कौन बिका, तो अभी तक जो है सबसे महंगा मिचेल मार्श बिके है, ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपको पूछ सकता है 72 वाले में। तो इस प्रकार से अवेयर रहना है आपको, अवेयरनेस से सारे सवाल बन जाएंगे। आगे कह रहा है कौन सा नदी जो है अरब सागर में गिरती है, गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, नर्मदा गिरती है अरब सागर में, जमुना ब्रह्मपुत्र ये सब जो है इधर ही है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। जगन्नाथ टेम्पल सभी लोग घूमते हैं, पुरी में है, सीधा सा बात है, सिंपल द जनरल अवेयरनेस। 3 साल का दे रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट एज पर द सेक्शन 3 ऑफ RPUP एक्ट, तो मैक्सिमम कितना है, 5 साल तक का पनिशमेंट है। फिर आता है फॉर ऑफेंस मेंशन इन सब सेक्शन 2 ऑफ 179 रेलवे एक्ट, कॉग्निजेंस इज टेकन बाय कोर्ट ऑन कंप्लेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी, कौन देगा उसमें, तो ऑफिसर जो है ऑथराइज्ड RPF का, ऑफिसर ऑथराइज कहाँ पे डिफाइन किया गया है और किसको हम ऑफिसर ऑथराइज कहेंगे, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं हम लोग, सेक्शन 156 ऑफ रेलवे एक्ट डील्स विद पनिशमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, 155 जो रेल अधिनियम वो किसमें है, 156 किसमें हो गया, 1 से इंजन, 5 से पायदान, 6 से छत, सीधा सा बात है, तो ट्रेवलिंग ऑन रूफ डोर स्टेप ऑफ ट्रेन, ये देख लीजिए ये हो जाएगा। आगे आते हैं सेक्शन 146 ऑफ रेलवे एक्ट डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस, तो 146 क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन रेलवे सर्वेंट इन इज ड्यूटी, रेलवे एक्ट को ध्यान से पढ़ के जाइएगा, आपको 72 रूल में भी जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है कम से कम 6 सवाल आपको दिखेंगे वहां, 5 से 6 सवाल। इन विच सेक्शन रेलवे एक्ट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट ऑफ अलार्म चेन पुलिंग, तो 141। इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पेनाल्टी फॉर अनऑथराइज कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ प्रोक्यूरिंग द सप्लाई ऑफ रेलवे टिकट, शानदार सेक्शन 143 है अपना।
आगे आते हैं, पेनाल्टीज एंड ऑफेंसेज आर गिवेन इन विच चैप्टर ऑफ रेलवे एक्ट। देखिए चैप्टर यहाँ से पूछ लिया, हम हमेशा आपको अध्याय भी कवर करके बताएं कि अध्याय 15 में जो है इसके बारे में बताया गया है। संपार फाटक को खोलना तोड़ना 160 में है। आगे देखते हैं थेफ्ट ऑफ बुकिंग कंसाइनमेंट इन द एरिया फॉलिंग फॉलिंग विद इन द आउटर सिग्नल ऑफ द सेम डिविजन इज नोन एज विच टाइप ऑफ। मतलब क्या बोल रहा है, ये होम सिग्नल, ये आउटर सिग्नल, ये आउटर सिग्नल, ये होम सिग्नल, ये स्टेशन हो गया। तो बोलता है कि ये दोनों आउटर सिग्नल के बीच में जो अगर चोरी होता है तो उसको कहते हैं हम लोग यार्ड थेफ्ट कहते हैं, दो आउटर सिग्नल के बीच में। ये भी वीडियो हमने बना रखा है, आप यूट्यूब पे चेक सकते हैं चैनल पर। ऑफिसर ऑथराइज्ड, हमने आपसे सवाल पूछा और इसने यहाँ पे सवाल ही पूछ लिया, ESI एंड अबव जो है ऑफिसर ऑथराइज कह ले जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस स्पेशल रिपोर्ट इज इशूड, ये सवाल बहुत अच्छा है, आपको भी पूछा जा सकता है। लूट, डकैती, मर्डर और थेफ्ट ऑफ कंसाइनमेंट इसमें दिया है, तो क्या बोल रहा है, स्पेशल रिपोर्ट पूछा है। यहाँ देखिएगा बाकी सब स्पेशल अकरेंस रिपोर्ट के संबंध में आ जाता है, ये स्पेशल रिपोर्ट में आपको आ गया। अब देखिए स्पेशल अकरेंस इज नॉट इशूड, इसमें नहीं किया जाएगा, रेलवे मटेरियल की चोरी में जो है स्पेशल अकरेंस रिपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर अभी पढ़ा इसके लिए स्पेशल रिपोर्ट होगा, बाकी सब में जो है स्पेशल अकरेंस रिपोर्ट होंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से सवाल घुमा घुमा के पूछ रहा है, और बहुत सिंपल सवाल है लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इन विच RP अप्रूव प्रोविजन ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में किसमें बताया गया है, तो 226 में इसके बारे में बताया गया है। इन विच RPF रूल देयर इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है 265 में। आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सुनते ही वो आठों पिक्चर आपको याद आ रहे होंगे जो हमने आपको पढ़ाए थे, और उस आठों पिक्चर से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे है कोड ऑफ बिहेवियर, जो है हमेशा हम बोलते हैं ट्रेनिंग में जब भी कोई आता है पढ़ाते हैं उस समय ये बोलते हैं कि विभाग ही इसी पे चल रहा है कोड ऑफ बिहेवियर से। और दुख की घटना ये है कि 100 में से 90 लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो 146 में कोड ऑफ बिहेवियर के बारे में बताया गया है। आते हैं माइनर पनिशमेंट, जो है इसमें से छोटा दंड कौन सा है, रिमूवल सर्विस छोटा नहीं है, डिसमिसल सब बड़ा है, कंपलसरी बड़ा है, सेंसर जो है ये छोटा है। DDM हमने आपको कल ही इसी हफ्ते DDM का मैसेज बनाया है, कितने घंटे के अंदर जारी होता है, 6 घंटे के अंदर जारी होता है। व्हाट इज द अपर एज लिमिट ऑफ जुबेनाइल जस्टिस, अपर जो है कितना, 18 साल। ये POS POS एक्ट जो दे दिया है इसमें, तो aggrieved lady with how much time of the date in last incident internal compliance committee, ये एक ऐसा सवाल मुझे दिखा जिसे कि मैंने आपको कवर नहीं किया है, ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। इसका जो उत्तर यहाँ पे देख लीजिए, 3 माह हो सकता है कि आपको ये सवाल रिपीट हो जाए। आगे देखते हैं थेफ्ट ऑफ बुक कंसाइनमेंट इन रनिंग ट्रेन इज कॉल्ड, रनिंग ट्रेन में जो चोरी होता है उसको RTT कहते हैं, इसका नाम ही बोलबोर में है, रनिंग ट्रेन थेफ्ट। निम्नलिखित में से कौन चल स्टॉक नहीं है, लोकोमोटिव, वैगन, कोच और रेल ट्रैक, तो रेल ट्रैक नहीं चलता है उसके ऊपर, बाकी सब घड़कता है। आगे देखते हैं विच आइटम इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द पिलफरेज फ्रॉम वैगन कंटेनिंग ब्लीडिंग ऑफ कंसाइनमेंट, तो इसमें डनेज का प्रयोग किया जाता है। आगे है रेल मार्ग रक्षण, जो है ट्रेन स्कॉटिंग के संबंध में डायरेक्टिव 33 आया था। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बेसिक सिक्योरिटी अरेंजमेंट, बुनियादी सुरक्षा का अंग है, तो 4 दीवारी, लाइटिंग, 5 टावर, ये सब है बेसिक अरेंजमेंट। कहते हैं इन विच स्टैंडिंग ऑर्डर देयर इज अ गाइडलाइन रिगार्डिंग रूल RPF एट द टाइम ऑफ रेल एक्सीडेंट, तो ये तो हरपन मौला डायरेक्टिव 34 में इसके बारे में, सॉरी डायरेक्टिव भी पूछा है, स्टैंडिंग ऑर्डर है, स्थायी आदेश संख्या, स्टैंडिंग ऑर्डर 34 है। प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, देखिए रिपीटेड सवाल इसमें पूछ लिया 262 में, तो अब आपको समरी ट्रायल के बारे में शायद ही सवाल पूछेगा तो आप जान गए। आगे देखते हैं प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर यूजिंग आर्म इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ आर्म्स एक्ट 1959, आर्म्स एक्ट में जो है 27 में इसके बारे में बताया गया है, तो एक आर्म्स एक्ट वाला भी हमने आपको कवर नहीं किया है, तो मे भी इस तरह के सवाल एक दो बाउंसर आपको दिखेंगे। ह्यूमन राइट्स इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में 222D में इसके बारे में बताया गया है, समझ गया ह्यूमन राइट्स। आगे आते हैं इफ एनी मेल पर्सन ट्रेवलिंग इन अ कंपार्टमेंट ऑफ लेडीज, तो रेलवे एक्ट का कौन सा है, 162 का वायलेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम, DFMD, CCTV, बैगेज स्कैनर, तो ये सब जो है इंटीग्रेटेड ISS के हिस्सा है। आगे आते हैं HHMD का फुल फॉर्म हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर,
और 90वां सवाल जो है अंतिम पार्ट बी का एक सीरीज दिया गया है, उसमें अगला नंबर क्या होगा। तो ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, 36 कहीं पर दिख रहा है, ये 36 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ASI Rule 70, ASI 2 सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ Rule 70 का, उसके पेपर को डिस्कस कर लिया है। तो आपको ये देख करके लगा होगा कि अगर आप सही ढंग से पढ़ लिए हैं तो आप सारे सवालों को आसानी से हल कर पाए होंगे। तो आशा करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो लाभदायक सिद्ध होगा, आपके एग्जाम के पहले ये काफी लाभदायक सिद्ध जरूर होगा, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि आपने तैयारी कुछ ना कुछ तो कर रखी है। अगर आपने अभी भी लगता है कि आपको कुछ ऐसी तैयारी की कमी है, तो आप मॉक टेस्ट में ज्वाइन करके मॉक टेस्ट में अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी पूरी सुनिश्चित हो चुकी है, तो ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।